नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा की ओर। जी हाँ, आपको बता दें, गुड 12 के छात्रों ने प्रशासन से परीक्षा की डेट आगे बढ़ाने एवं जर्नल प्रमोशन देकर पास करने की मांग की। जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक एवं गुड़ नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रकाश मिश्रा एवं भारतीय सर्वसेवा संगठन के अध्यक्ष उमेश पिडिया छात्रों के मांग का समर्थन किया। गुड़ 12वीं के छात्रों द्वारा आज गुड़ सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने सभी लोग इकट्ठा होकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे प्रवासी गुड़ लौटे हैं। गुड़ में कोई जांच किट ना होने के कारण जो लोग बाहर से आए हैं, बहुत सारे लोगों का जांच नहीं हुआ है। इनमें से कोई भी छात्र परीक्षा देने आया और वह सबको ग्रसित कर दिया, तो इसका जवाबदार कौन होगा? इसलिए गुड़ 12वीं के छात्रों द्वारा सरकार से मांग किया है कि जर्नल प्रमोशन देकर सबको पास किया जाए, ना कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ाया जाए। छात्रों के मांगों का समर्थन कर रहे जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र पाठक ने कहा है कि छात्रों के मांग पर प्रशासन गंभीरता से विचार करें एवं उनकी मांग पूरा करें एवं गुड़ नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रकाश मिश्रा जी ने छात्रों के मांगों का समर्थन किया एवं प्रशासन से अपील की है कि छात्रों के मांगों पर सरकार विचार करे, क्योंकि हर जगह से छात्रों की शिकायत आ रही है कि कोरोना के डर के वजह से पढ़ाई भी छात्र नहीं कर पा रहे हैं। अगर संभव हो तो छात्रों को जर्नल प्रमोशन देकर आगे बढ़ाया जाए या उनकी परीक्षा डेट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कोई भी छात्र संक्रमित ना हो। वही भारतीय सर्वसेवा संगठन के अध्यक्ष उमेश पिडिहा ने कहा है कि यह सच है कि बाहर से जो आए हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच ना होने के कारण बड़ी संख्या में पता नहीं चला है। ऐसे में छात्रों का डरना जायज है। ऐसे में प्रशासन से मांग है कि छात्र हित ध्यान में रखते हुए उन्हें जर्नल प्रमोशन देके आगे बढ़ाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम विकास कुमार पांडे है। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम जो हमारी परीक्षाएं की डेट मतलब क्लियर हुई है उनसे हम संतुष्ट नहीं है, इसीलिए हम सभी छात्र जो हैं वो डेट को आगे बढ़ाने या फिर जनरल प्रमोशन के लिए यहाँ मांग करने के लिए आए हैं शिवराज मामा से। उसका कारण क्या है, क्यों आप जनरल प्रमोशन चाहते हैं? हम जनरल प्रमोशन इसलिए चाहते हैं क्योंकि अचानक हम लोगों को डेट पर मतलब बताई गई है, और जिसमें हम लोगों को ये मतलब क्या है कि गुड़ में ना तो लैब है कोई, न रीवा में लैब है, तो अगर हम लोगों को कोरोना जैसी कोई बीमारी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रशासन जब से बाहर से बाहर जो फंसे हुए थे यहाँ के लोग उनको यहाँ बुलाया है। हाँ। और यहाँ पे गुड़ में लैब ना होने के कारण यानी जाँच ना होने के कारण आप डर रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अगर होता है तो हमें भी हो जाएगा, और इसीलिए आप जो है तो आप परीक्षा में नहीं बैठना चाहते। हाँ। यही कहना चाहते हैं आप? अच्छा, आप पेपर देना भी जो चाहते हैं वो कुछ डेट बढ़ जाए या तो फिर जनरल प्रमोशन के लिए हम मांग उठाएंगे। अभी 20 बच्चे हैं, आने वाले टाइम में 50, 100, 200, 5000 की संख्या में हम लोग ये मांग उठाएंगे और हमारी मांगे जारी रहेंगी। सरकार का हम विरोध जैसे अभी कर रहे हैं, आगे आने वाली टाइम में उससे ज्यादा भी विरोध कर सकते हैं और सरकार को बता सकते हैं कि स्टूडेंट पावर क्या होती है। अच्छा जी, और आप भी, आपका क्या नाम है? जी, हमारा नाम राशिद खान है जी, और मैं गुड़ से हूँ और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ जी। और मेरा यही निवेदन है मामा जी से कि आपने जो अभी इस टाइम पे देश में जो कोरोना चल रहा है, कम से कम करीबन 2 लाख केस हो चुके हैं कोरोना के जी, तो और हाँ शायद ही हो चुके हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं और हमको मालूम नहीं है कौन किससे संक्रमित है और कौन आता है, हमको तो पता नहीं है। हम जब पेपर देने जाएंगे तो हमको मालूम नहीं रहते हैं कौन कहाँ क्या करता है, तो हम उनसे जब टचिंग करेंगे, टचिंग पॉइंट होता है, तो हमको भी कोरोना हो सकता है। और जो बच्चे जो हमारे साथ हैं वो भी डरे हुए हैं, पेपर भी देना चाहते हैं जो लोग, तो वो डरे हुए हैं इसे, और हमको समय भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो यूथ हैं, हम लोगों को एक बार हमारी इन्वेंट्री सिस्टम सही है, और जो हमारे घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको जाके हम जब टच करेंगे तो उनका तो ये सब नहीं है ना, वो तो कमजोर है ना, उनको तो जाके हम टच कर देंगे, हमारा तो सही है, हम ठीक है, खाएंगे पियेंगे, हमारा तो सही हो जाएगा जी। आप? मेरा नाम उमेश पिडिया, मैं भारतीय सर्वसेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ। जो अभी प्रशासन की परीक्षाओं के लेके गाइडलाइंस आई हैं, उस हमारे जो विद्यार्थी हैं
वो इसका विरोध करते हैं और इनके पूरी तरह से भारतीय सर्व सेवा संगठन इनका सपोर्ट करता है इनके विरोध का, क्योंकि ये वाजिब है। क्योंकि हमारे प्रशासन जब से हमारे क्षेत्र के बाहर फंसे हुए व्यक्ति को यहाँ आने के लिए कहा है और वहाँ से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं, उसका कारण है कि यहाँ पे गुड़ पे कोई जांच लैब नहीं है इसका, इसलिए ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है। उसी बीच में कोई भी स्टूडेंट आके साथ में अगर इनके साथ में पेपर देता है और वो संक्रमित है और इनको भी संक्रमित करता है तो ये तो अच्छा नहीं है। इसीलिए भारतीय सेंटर मान लीजिए गुड़ में है और दूर से आते हैं उनके लिए वाहन अगर नहीं है, गाड़ी वाहन नहीं, इसीलिए भारतीय सर्व सेवा संगठन इसका पूरा विरोध करती है कि प्रशासन से मांग करती है कि इनका जनरल प्रमोशन दे के आगे बढ़ाया जाए या कि इनको डेट आगे बढ़ाया जाए। इसका हम कल SDM साहब के पास इसका ज्ञापन देंगे और हम चाहेंगे कि प्रशासन इसमें पूरी तरह से जो है छात्रों के हित में कार्य करे और इनकी सुरक्षा को ध्यान में रख के कार्य करे, है ना। बस हम यही मांग करते हैं। छात्र यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बारहवीं को प्रमोशन दो, प्रमोशन दो, प्रमोशन दो। बारहवीं को प्रमोशन दो, प्रमोशन दो, प्रमोशन दो। हमारी मांगे पूरी करो।